आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रुक करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया। इस मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम बना दिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी शासित राज्यों के 12 CM और 9 डिप्टी CM वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया। इस मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक बनाया। अपने संबोधन के दौरान काशी से पीएम ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो संभव कुछ भी नहीं है। तो पूरे विधि विधान के साथ आज ये लोकार्पण किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर का लोकार्पण करने से पहले, सबसे पहले सुबह सुबह जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की। भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गंगा नदी में स्नान किया, वहां से गंगा जल एकत्र किया। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे जहां पे उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ, पूरी विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। और उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से आज ये भव्य नजारा देखने को मिला, कायाकल्प हो रहा है बीजेपी के राज्य में, ऐसा कहा जा रहा है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो नजारा देखने को मिला, क्या कहेंगे इस पे? चाहूंगा कि वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इस दौरान उन्होंने जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे में साफ तौर पर ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वो जहाँ पर मंदिरों का शहर कहा जाता रहा है और इतने भव्य मंदिर पहले ही से वहां पर थे, अब जब उन और कायाकल्प कर दिया जाएगा तो और सुंदर और बेहतरीन दिखाई देंगे। और उसी की कड़ी में आज का ये कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो मैं आप जो आपको सौंप रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत यादगार का पल है और काशी कोतवाल के चरणों में मेरा प्रणाम है। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये भी कहा कि काशी की जनता के सहयोग से हम ये जो घड़ी आई है कि आज हम जो उद्घाटन है वो कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का। और उसके अलावा भी उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है, उस जनता को अब संबोधित करते हुए कई सारी बातें कही। उन्होंने माँ गंगा की बातें भी कही। उन्होंने कहा कि माँ गंगा मुझे जब जब बुलाती है मैं तब तब आता हूँ और मैं लगातार काशी और बनारस का जो विकास है उस विकास को लेकर के काम करता रहूंगा जब तक यहाँ की जनता मुझे प्यार देती रहेगी। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भी कई सारे कार्यक्रम है, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है। बताइए, वाराणसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है जो 2 दिवसीय। तो आज पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, वहां पर पूजा अर्चना की, उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद आज शाम को जो गंगा आरती है उस आरती में भी वो शिरकत करेंगे। दीप उत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। जी, तो जिस तरह से पीएम द्वारा ये सौगात दी गई है और मंदिरों को तवज्जो दी जाती है, जिसका मुद्दा भी विपक्ष उठाता रहता है कि धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो क्या ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज किया गया और अब मथुरा का मुद्दा उठ रहा है, राम जन्मभूमि परिसर में भी इतना बड़ा काम किया गया बीजेपी द्वारा, तो इसका चुनाव में लाभ कितना मिलेगा बीजेपी को? चुनाव में लाभ मिलेगा क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, पता कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव करीब है और लगभग सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी कमर कस रहे हैं। ऐसे में धर्म के नाम पर राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से होती आई है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जब जब चुनाव हुए हैं या केंद्र के चुनाव हुए हैं तो अयोध्या का मुद्दा हमेशा से गरमाता रहा है। अयोध्या के मुद्दे पर लोगों ने, जनता ने वोट दिया है, राजनीतिक दलों ने वोट मांगा है। उसके बाद अगर इस बार की हम देखें तो इस बार जिस तरह से वहां पर विकास कार्य हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, तो ये साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से बेहतरीन करने की कोशिश की बीजेपी सरकार की, जो कि अयोध्या हो गई,
अयोध्या के अलावा अभी हम बनारस का जो बनारस देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार सरकार ने काम किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर ली जाए उसे बेहतर बेहतर किया और आज सबका दृश्य भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2022 का जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से अयोध्या का मुद्दा सामने आएगा, क्योंकि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो गया है, काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो गया है। इसके अलावा मथुरा के मुद्दे को भी लेकर के बीजेपी जो है वो जनता के बीच जाएगी। तो इस तरह के जो धार्मिक मुद्दे हैं, उन धार्मिक मुद्दों पर वोट मिल पाना उत्तर प्रदेश में काफी आसान है, ये बीजेपी को पता है, क्योंकि अयोध्या के मुद्दे पर भी बीजेपी ने पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता में वो आई है। और एक बार फिर से इस बार कोशिश यही रहेगी, क्योंकि इस बार वो अपना काम गिराएंगे कि हमने अयोध्या में मंदिर निर्माण करवाया, हमने काशी विश्वनाथ का कायाकल्प किया, मथुरा के मुद्दे पर भी सजग है। तो एक बार फिर से ये जो मुद्दे हैं धार्मिक मुद्दे, मुद्दों को उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर जनता को ज्यादा से ज्यादा सौगात देने की कोशिश में है सरकार और ज्यादातर लोकार्पण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। वहीं रुक करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुर में जिला सहकारी गन्ना मिल में कुड़वार क्षेत्र के लगभग 7 गांवों के किसानों का गन्ना हैदरगढ़ के प्राइवेट चीनी मिल में भेजने के लिए आदेश किया गया है, जिसको लेकर कुड़वार क्षेत्र के गन्ना किसान जिला पंचायत परिसर में लगभग 21 दिन से धरने पर बैठे। किसानों की मांग है कि हमारा गन्ना जिले से सहकारी चीनी मिल में लिया जाए, लेकिन किसानों की मांग पूरी ना होने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन गन्ना अधिकारी का शव यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए गन्ना अधिकारी और सांसद मेनका संजय गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो गन्ना मिल को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। किसान जो गन्ना किसान है वो अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज भी ये खबर सामने आई है सुल्तानपुर से, जहां जिला सहकारी गन्ना मिल में कुड़वार क्षेत्र के लगभग 7 गांवों में किसानों का गन्ना हैदरगढ़ के प्राइवेट चीनी मिल में भेजने के लिए आदेश किया गया है, जिसको लेकर कुड़वार क्षेत्र के गन्ना किसान जिला पंचायत परिसर में लगभग 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वो प्राइवेट मिल में नहीं भेजना चाहते अपने गन्ने को। किसानों की मांग है कि हमारा गन्ना जिले के सहकारी चीनी मिल में लिया जाए, लेकिन उन्हें प्राइवेट जगह पे भेजने का आदेश दिया गया है, जिससे वो काफी नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं और सहकारी चीनी मिल में भेजने की बात कह रहे हैं गन्ना के साथ। लेकिन किसानों की मांग पूरी ना होने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन गन्ना अधिकारी का शव यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए गन्ना अधिकारी और सांसद मेनका गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं किसान। तो गन्ना किसान अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं और किसानों के द्वारा देखा जा रहा है कि किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गन्ना अधिकारी और सांसद मेनका संजय गांधी के नारे लगा रहे हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुल्तानपुर से ये खबर सामने आई है, जो गन्ना किसान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कुड़वार क्षेत्र में लगभग 7 गांवों के किसान प्रदर्शनरत है, जिनकी मांग है कि उनके गन्ने को सहकारी चीनी मिल में लिया जाए, हैदरगढ़ के प्राइवेट चीनी मिल में भेजने के लिए आदेश किया गया है। लगातार गन्ने का मुद्दा उठता रहता है, क्योंकि उनके भुगतान को नहीं किया जाता, उनका गन्ना ले लिया जाता है और ये मांग कर रहे हैं बार बार किसान कि हम अपना गन्ना तभी देंगे जब हमारे पुराने भुगतान को कर दिया जाएगा। इसी के चलते जो प्रदर्शन देखा जाता है, इस प्रदर्शन के चलते कई चीनी मिल बंद भी हो चुकी हैं, नई चीनी मिलें शुरू भी की जा रही है, लेकिन गन्ना किसान अभी भी गुस्सा है और चाहता है कि पहले उसके बकाया जो है उसका भुगतान किया जाए, उसके बाद ही वो अपना गन्ना देगा। और अब एक बार फिर ये मामला जोरों से उठता हुआ नजर आ रहा है, हैदरगढ़ के प्राइवेट चीनी मिल में भेजने के लिए आदेश दे दिए गए हैं किसानों के गन्ने के लिए। इसको लेकर कुड़वार क्षेत्र के गन्ना किसान जिला पंचायत परिसर में लगभग 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं, बिना रुके 21 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं किसान और किसानों की मांग है कि हमारा गन्ना जिले के सहकारी चीनी मिल में लिया जाए, लेकिन उनको आदेश दिया गया है कि
प्राइवेट चीनी मिल में उनको भेजने का, गन्नों को भेजने का आदेश दे दिया गया है और सरकारी चीनी मिल में गन्नों को नहीं लिया जा रहा, उनकी खरीद नहीं की जा रही है और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है उनकी गन्ने का, जिसकी वजह से 21 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग पूरी ना होने को लेकर अब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन गन्ना अधिकारी का शव यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए गन्ना अधिकारी और सांसद मेनका गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से शव यात्रा निकाल रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अधिकारी को जो संगठन है उसने लगातार अपनी मांगे पहुंचाने की बात कही जा रही है। किसान अपनी मांगों के लिए हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सांसद के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अधिकारी है उसकी शव यात्रा निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं, मतलब अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए ये हंगामा किया जा रहा है गन्ना किसानों की तरफ से, क्योंकि उनको उनका अपना बकाया मिल रहा है, ना उचित राशि मिल रही है गन्ने की और सहकारी चीनी मिल में खरीद की मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन सहकारी चीनी मिल में उनका गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुल्तानपुर से संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या क्या मांगे हैं गन्ना किसानों की? स्थापित हुई, लेकिन लेकिन हालात ये है कि ये जो है इसकी क्षमता अभी तक बढ़ाई नहीं गई और जर्जर को बताते हुए यहाँ के जिला प्रशासन इसको हर वक्त जो है जब गन्ने का मौसम आता है चीनमिल पेराई के लिए उस समय जो है इसको बंद कर दिया जाता है और यही है कि यहाँ पे कुड़वास थाना क्षेत्र को जो है गन्ना किसानों का हैदरगढ़ में हैदरगढ़ चीनी मिल में गन्ना भेजने का काम आदेश किया गया है। इसी में इन्हीं मांगों को लेकर के गन्ना किसान जो है 21 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जी राजीव, किन तकलीफों का सामना कर रहे हैं इस वक्त किसान? इस वक्त जो है आप बता दें कि एक तरफ जो गन्ना की कटाई है, बुआई भी चल रही है, उसको देखते हुए लगातार किसान यहाँ पर 21 दिन से बैठे हुए हैं। आज उन्होंने गन्ना अधिकारी का पुतला जो है शव यात्रा निकाली और कलेक्टर पर्सन पहुंचे, लेकिन जो है दुर्भाग्य रहा कि जिलाधिकारी महोदय मौजूद नहीं थे और यहाँ के SDM ने कहा कि आज के जो है मामलों के आपके मांगों को जो है जिलाधिकारी के आने पर रखा जाएगा, लेकिन ताजुब की बात यह है कि नगर आयुक्त से लेकर के मंडल आयुक्त तक के गन्ना अधिकारियों से किसान नेताओं ने बात की, लेकिन इसका सलूशन कुछ नहीं निकल रहा है। जी राजीव, प्राइवेट चीनी मिल में भेजने की बात कही गई है कि गन्नों को, लेकिन किसान प्राइवेट चीनी मिलों में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं अपने गन्ने? क्या उनको वहां पे भुगतान नहीं हो पाता है उनकी गन्नों का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जिला सहकारी चीनी मिल जो है यहाँ जो है बनारस के क्षेत्र से गन्ना लिया जा रहा है और जो कि आज से इस चीनी मिल से 8 से 10 किलोमीटर के जो दायरे में गांव है उनसे गन्ना नहीं लिया जा रहा है, इसी से नाराज किसान जो है इस धरना दे रहे हैं यहाँ पे। जी तो 21 दिनों से धरना तो दे रहे हैं गन्ना किसान, और ये कब तक चल सकता है इनका प्रदर्शन? इनकी मांग है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अनवरत ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और हम नगर में गन्ना अधिकारी के खिलाफ जो है शव यात्रा निकाल करके अपना प्रदर्शन, अपनी नाराजगी को जाहिर करेंगे। जी राजीव, जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है? क्या कोई ज्ञापन सौंपा गया है अपनी मांगों को लेकर किसानों द्वारा? इस मामले की जानकारी जिला अधिकारी को भी है, मंडला आयुक्त को भी है और नगर आयुक्त भी है और यहाँ के गन्ना अधिकारी को भी है, लेकिन जो है यहाँ के अधिकारी इस मामले पर जो है किसी भी प्रकार का जो है सुलझाना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ सुल्तानपुर संवाददाता राज अधिकारियों को संगठन ने ज्ञापन भी सौंप दिया है, इसकी जानकारी भी है, इसके बाद भी 21 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और मांगे लगातार गन्ना किसान कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें
जानकारी नहीं ली जा रही है, अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं और तस्वीरें भी देख सकते हैं आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं गन्ना किसान। चुनावी माहौल है, जहां एक तरफ सरकार जनता को सौगात देने में लगी है, वहीं कुछ भ्रष्ट लोग सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां मुफ्त राशन के बदले वोटों का सौदा कर रहे हैं भाजपा नेता, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि ये वीडियो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिंदमन सिंह का बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां कल ही सीएम योगी ने मुफ्त डबल राशन देने की योजना शुरू की। ये राशन बांटा जा रहा है गरीब लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा नेता का ही ये वीडियो सामने आया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। वीडियो सामने आया है और वीडियो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिंदमन सिंह का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि राशन वितरण हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि वोट के बदले राशन देने की बात कही गई है। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जनता राशन लेने के लिए बैठी है, लेकिन यहां नेताजी उनको वोट के बदले राशन देने की बात कह रहे हैं। जहां सीएम योगी ने कल ही इस बात को कहा था कि गरीबों तक अन्न पहुंचाना बहुत पुण्य का काम होता है, हर एक तक हम राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं उन्हीं की सरकार के कुछ भ्रष्ट नेता इस तरह के कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, आगरा से ये तस्वीरें हैं। चुनावी माहौल है और जनता को सौगात देने की बात कही जा रही है। लगातार सरकार जनता तक सौगातें पहुंचाने के लिए कई योजनाएं ला रही है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचती है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी नेता इस तरह से जनता तक पहुंचने नहीं देते हैं योजनाएं, जिसकी अब हम आपको ये खबर भी दिखा रहे हैं। आगरा से ये खबर सामने आई है, जहां चुनाव का माहौल है और ये साबित किया जा रहा है कि चुनाव में वोट लेने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से, जो हमें पूरी जानकारी देगी। आगरा क्या ममता क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं ये नेता? जिस तरह ये जो बीजेपी की जो सरकार है, जो इन्होंने मार्च तक का जो राशन वितरण का जो बात कही है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि उसमें उनके जो पूर्व विधायक जो है राजा अर्धमन सिंह, जो कि इस प्रेजेंट में जो रानी पचल का जो विधायक है, उनके पति हैं, और उनके तरफ साफ तौर से महिलाओं को राशन देते हुए ये कहा जा रहा है साफ तौर से कि आप जो आपकी मदद कर रहा है उसको ही आपको वोट देना है जी। कि जिस तरह तो ये साफ बेकार जी ममता, तो जिस तरह से सीधे तौर पर राशन दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो आपको राशन दे रहा है उसी को वोट देना, राशन के नाम पे वोट मांग रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो महिलाओं से साफ तौर से कह रहे हैं कि चाहे आपके पति मना करें या चाहे बेटा, लेकिन आपको जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको राशन दे रहा है, राशन वितरण कर रहा है, जाहिर सी बात है वोट आपको वही देना है, चुपचाप से वही जाके दे देना है, किसी की बात नहीं सुनी, मतलब अपने परिजनों को भी उनसे कहने से बिल्कुल कोई बात ना मानने की बात कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं देहात की, जो महिलाएं हैं ग्रामीण की महिलाएं, उनसे महिलाओं से इस तरह की बात कहते हुए साफ नहीं रहती। तो देख बिल्कुल साफ है कि जिस तरह के हम हमारे चैनल के द्वारा और भी चैनल के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, जो पब्लिक रिव्यू चल रहा है, उसमें उनको बीजेपी के जो विधायक है उनको अपनी हार साफ नजर आ रही है कि जिस तरह जो जनता अपना रिव्यू दे रही है, जनता अपनी मन की जो बात कह रही है कि उनको साफ दिख रहा है कि हमारे साथ हार साफ निश्चित है। तो इस तरह की उन्होंने मार्च तक का ये राशन वितरण देने की बात कह दी है। इस तरह की किसान लोग अपनी मार्च तक फसल पका लेते हैं और उसके बाद उसे काटने की तैयारी करते हैं, तो उसी तरह ये भाजपा की जो सरकार है वो ये जो वोट रूपी जो खेती है ना, उसको
बराबर मार्च तक उगाने के बाद काटने की तैयारी कर रही है। जी जी ममता, सरकार योजनाएं जनता तक पहुंचाने की बात कर रही है लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। कल भी ये खबरें सामने आई थी हमारे पास कि सर्वर में कुछ दिक्कत होने की वजह से लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहीं आज आपने ये खबर हम तक पहुंचाई है जो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि राशन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो क्या जनता तक सही में ये योजनाएं पहुंचती है? बिल्कुल जनता तक पहुंचती, पूरी जो भी योजना है जनता तक पहुंचती भी नहीं है, और अगर पहुंचती भी है इनके प्रतिनिधियों के द्वारा, बीजेपी की सरकार के अगर प्रतिनिधियों द्वारा अगर कोई योजना पहुंचती भी है तो उसके एवज में जिस तरह ये वीडियो साफ दिख रहा है कि जिस तरह के राजा अर्धमन सिंह पूर्व विधायक जो साफ तौर से कह रहे हैं जो राशन के एवज में बराबर वोट लेने की बात कह रहे हैं। जी तो भ्रष्टाचार साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, अभी तक यही मुद्दा उठता रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी सरकार, गरीबों का कल्याण करेगी, लेकिन यह तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तरह से दिखा जा रहा है कि जिस तरह जो बात बीजेपी की बात जो है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह बीजेपी बात कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और यहाँ जो जनता है हम लोग के द्वारा हमने जनता से जाना है, उनके मन की बात जानी है, साफ तौर से है कि बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार बिल्कुल भी खत्म नहीं किया, बताया बढ़ रहा है। जब उनके ही प्रतिनिधि इस तरह की बात है अगर जनता से कह रहे हैं, जैसे ग्रामीण जो महिला है उनसे कह रहे हैं, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, और ऐसी खबरें हम तक पहुंचाइए ताकि हम जनता तक सच्चाई दिखा सके कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, जनता को किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं चुनना चाहिए, और सरकार भी ये चीज देखे कि कौन से अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस पे नकेल कसनी चाहिए। बीस दिसंबर से अलीगढ़ में नुमाइश लगने जा रही है जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नुमाइश प्रदर्शनी में इस बार नए वेरिएंट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। नुमाइश मैदान पहुंच रहे दुकानदारों का कहना है कि अभी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है, बल्कि नुमाइश के इतिहास से पहली बार जिला प्रशासन की तरफ से नुमाइश में लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की की गई है। इस बार नुमाइश में पहुंचने वाले लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर नुमाइश का लुत्फ उठा सकेंगे। तो अलीगढ़ से यह खबर सामने आ रही है जहां पे लोगों को, यानी जो दुकानदार हैं, उनको अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि नया वेरिएंट ओमिक्रोन आ गया है तो किस तरह से आपको दूरी बना के रखनी है, किस तरह से लोगों को उचित निर्देश देते हुए उनके साथ व्यवहार करना है, या फिर किस किस चीजों का उपयोग करना है। जैसे इससे पहले जो कोरोना का खतरा बढ़ा था तो साफ तौर पे सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था कि आपको सैनिटाइजर की बॉटल भी पास में रखनी है, सैनिटाइज करवाना है, और साथ ही जो मास्क लगा के व्यक्ति आएगा उसी को आप सामान देंगे। इससे क्या हो रहा था कि लोग जागरूक हो रहे थे और लापरवाही नहीं बरत रहे थे, लेकिन इस बार अभी तक कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, और ये आयोजन जो हो रहा है इसमें कई लोगों की भीड़ जुटेगी और इसको लेकर अभी भी कोई जागरूक नजर नहीं आ रहा है। इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, क्या कहना है दुकानदारों का और गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी की गई है, क्या कहेंगे इस पे? फिलहाल आपको बता दूं कि पहले की तरह नुमाइश का आयोजन 20 दिसंबर को होने जा रहा है जी, और दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं। उनका कहना है कि अभी तक हमें कोई गाइडलाइंस नहीं बताई गई है, ओमिक्रॉन के चलते कोई भी गाइडलाइंस नहीं बताई गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जी, तो जिस तरह से नुमाइश लग रही है इस बार, इसमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा जो जनता को आकर्षित कर सकता है? जनता को आकर्षित करने के लिए इस बार एक नया चीज देखने को मिलेगी, हेलीकॉप्टर द्वारा जनता नुमाइश का जी देख पाएगी। जी, तो इस बार हेलीकॉप्टर को लाया जा रहा है और इसको देखने के लिए जनता की भीड़ भी उमड़ेगी, तो क्या कोरोना गाइडलाइंस तो जारी नहीं की गई है लेकिन क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इस नुमाइश में? आला अधिकारी को, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी द्वारा बताया गया है, हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं जी, और
सैनिटाइजर वगैरह और नीड वगैरह सब कुछ इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन उनके दावों को खोखला साबित कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं तो चल रही हैं, उस तरीके से कुछ भी गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं होगा, कोई लाखों की तादाद में लोग आते हैं। जी, तो क्या कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ सुधार होना चाहिए इन कमियों को लेकर नीतीश? सारी कमियां देखने को मिल रही हैं, कोई भी प्रशासन की तरफ से एहतियात नहीं बरता जा रहा है, कोई भी अधिकारी लेवल का काम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आगे देखने को मिल सकता है। ओमिक्रोन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके देखते हुए नुमाइश में बहुत ज्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना करना पड़ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़े हुए थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम दुनिया की और जिलों की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।